अरे बोलो हालेलुया। आज खुश है सब। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे यीशु के नाम में। अब हर वीरवार आपके लिए ऐसे ही प्रार्थना हुआ करेगी। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में काम होंगे आज। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे यीशु के नाम। आमीन। हाँ सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। थोड़ी बेस खोल, बेस खोल, थोड़ी बेस खोल। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। आज मेरी आवाज आ रही है बाहर, बाहर भी लोग बैठे हैं और अंदर भी। मैं फिर कह रहा हूं अभी इसी समय बारिश के कारण थोड़ा लेट हो गए, लाइट लग रही है अभी बाहर। जो लोग बाहर बैठे हैं आप चिंता ना करें, मैं बाहर भी आकर आपके लिए ले हैंड प्रे करूंगा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, शाबाश, दुआ में जाएंगे। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं आज इस समय, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना का समय, अपने हाथों को उठाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोग जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा जम्मू से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, और इसी समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जी औरंगाबाद से, पवित्र आत्मा कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, लुधियाना से, पंजाब से, मेरे पिता परमेश्वर जलंधर से, न्यू चंडीगढ़ से, राजपुरा, पटियाला, मरिंडा, और इसी समय धारीवाल, गुरदासपुर, बटाला, और इसी समय प्रभु कपूरथला, इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, फाजिलका से, और इसी समय फिरोजपुर से, मुक्सर ब्रांच से परमेश्वर, और इसी समय आपको आशीष दे परमेश्वर यीशु का। आमीन। ऐसे प्यार होना चाहिए आपको अपनी ब्रांच से। हालेलुया। जब आपकी ब्रांच का नाम आया तो आपने जोर से जोश दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया, मतलब पवित्र आत्मा प्यार करता हूँ लोगों से, जो लोग अपने शहर से, अपनी जगह से प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत सुंदर बनाए, बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम आँख बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु के नाम में। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए सब फिर से आँख बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए, आपने जितने भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको बिलीव करना है आज आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। और जो मुझे, मैंने ऑनलाइन वालों के लिए बोला अभी, और जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो यहां पर खड़े हैं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं, मैं घमंड नहीं करता हूं, मेरे ऊपर गिफ्ट है एक, वो 9 प्रकार के गिफ्ट है मेरे ऊपर, जो आज मेरे चेहरे को देख रहे हैं, आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी है खत्म हो जाएगी आज यीशु के नाम में। प्रभु आशीष दे आपको यीशु के नाम में। आप सबको आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है, आपके जोश को देख रहा है चर्च। आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? ठीक है सब, अब इसी समय जल्दी से टाइम हो गया, प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, विश्वास करें। हाँ अपने हाथों को उठाओ, फिर से उठाओ, इनको नीचे बिठा दो, नीचे बिठा दो इनको। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सुनो लिसनिंग, आपको जो मांगना है इस समय हाथ जोड़कर मांगे परमेश्वर से, ताड़ी बजाकर नहीं, हाथ जोड़ें परमेश्वर के सामने, प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर कर सकते हैं। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो घर से भी कर सकते हैं। जो इस समय
परमेश्वर नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, यूरोप के हर कोने से, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ग्रीस से, साइप्रस से, यूरोप से, अमेरिका से, फिजी से, परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इनके घरों में ब्लेसिंग आए यीशु के नाम में। और परमेश्वर जो लोग मांग रहे हैं आज, कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। आप बिलीव करते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ है? जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। बैठ जाएं, ठीक है, क्या आप बैठ सकते हैं? आप बैठ जाएं, शाबाश, अपने स्थान पर। जिसके पास कुर्सी नहीं है नीचे बैठ जाओ, शाबाश। आगे हो जाओ लड़की, आगे हो जाओ, शाबाश, उधर बैठ जाओ, उधर आगे कर दे, आगे कर दे, शांत शांत शांत। विश्वास करना है प्रभु आपको छुए और बरकत दे यीशु के नाम में। हाँ, तो इसी समय सुनो, कितने लोग जानते हैं जस्सी को, जानते हैं? अभी देखो, ये शोर नहीं करना, सारे बोलो हालेलुया। थोड़ी देर बाद जितना मर्जी शोर करना। कितनों को आज अमेरिका जाना है, हाथ उठाओ। तो ध्यान से सुने, जो चुप हैं वो अमेरिका जाएंगे आज। आप बोल पड़े, शांत हो जाओ। देखो आपके सामने है, मैंने बस बस वहीं रहो, भीड़ है, आगे नहीं आएगा कोई। सुनना ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। और बिलीव करना है, आप कहीं से भी आए हो, परमेश्वर आपकी सुनेगा, आंसर देगा। और जल्दी जल्दी से सुनना, देखो जस्सी के लिए मैंने एक बार सिर पे हाथ रखा था कि परमेश्वर तुझे बच्चा देने जा रहा है, और आज ये प्रेग्नेंट है। लाइव में किया था, पांचवा महीना चल रहा है, और चौथे महीने बाद हम बड़ी मीटिंग करेंगे। बोला हालेलुया, मतलब दिसंबर, सारे बोला हालेलुया। तो कितने लोग मेरे से प्यार करते हैं और कितने लोग नफरत करते हैं? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कही एक बात, बेटे बैठ जा नीचे, सिट डाउन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो फटाफट मीटिंग खत्म नहीं हो पाएगी। सुनो, बैठ जाओ, कोई उठेगा नहीं, मेरे से ज्यादा गर्मी लगनी चाहिए किसी को, शांत रहो। देखो चुप रहे वॉलंटियर और मुझे अपना काम करने दे। अब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो तेरे चर्च में आएगा, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, कहीं से भी आएगा, परमेश्वर ने मुझे कहा वीरवार की मीटिंग स्टार्ट कर, कह रहे उन लोगों के ऊपर भविष्यवाणी का वरदान उतरेगा। और दूसरी बात मुझे, ताड़ियों का शौक नहीं है मुझे, सुनो, दूसरी बात मुझे कही कि जो पास्टर तेरी सेवकाई में आने से विश्वासियों को रोकेगा, चाहे वो उसके चर्च का विश्वासी हो, सुनो, आपको विश्वास करना है दो मिनट, के पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो कोई पास्टर बिलीवर लाइव चल रहा है, सुन रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो, जो प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में जाने से उसे रोकेगा आशीर्वाद लेने से, उसकी सेवकाई में प्रॉब्लम आएगी। सुन रहे हो, लाइव कह रहा हूँ, लाइव। होली स्पिरिट ने मुझे बोला, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री ये अपना घर चलाने नहीं आई, ये परमेश्वर की सेवा करने के लिए आई है। बहुत सारे जवान लोग परमेश्वर तैयार करेगा इस मिनिस्ट्री से, बहुत सारे बेटे बेटियां आशीर्वाद में बदलेंगे,
प्रभु ने मुझे पुकारा। ये 2 महीने पहले परमेश्वर ने मेरे से बात कर दिया था। देखो इधर आओ, इस लड़की को प्रभु ने मुझे कहा, मैंने इसको ब्लेस किया और आज ये भविष्यवाणी करती है। और ये पास्टर जस्सी, इसके लिए भी याद रख रहा हूँ, ये भी आज से भविष्यवाणी करेगी ईश्वर के नाम में। समझ में आया? आप में से, लेकिन वो जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं लेकिन आप बीज नहीं बोते, आप चर्च की हेल्प नहीं करते, ब्रांचों की हेल्प नहीं करते, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, इस समय परमेश्वर चाहता है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको मक्खन खिलाए, घी खिलाए, लेकिन आपको हमेशा सुख दे, तो परमेश्वर के राज्य के लिए आपको आगे आना है, आपको सुनना है। अब मुझे, अब थोड़ा आराम से सुनते रहना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो लोग आगे आएंगे उनकी तकदीर चमकेगी साल में, ईश्वर के नाम में। प्रभु उनके ऊपर अनुग्रह करेगा, लेकिन ये विश्वास करना है आपको, बोने वाले बनना है, बोने वाले। अगर आप बोने वाले बने इस साल में, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करेगा। और सुनो, ये वीरवार मैं मीटिंग रखना नहीं चाहता था, क्यों, लेकिन पास्टर मीनू कह रही थी नहीं नहीं सब ब्रांच वाले नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा बारिश हो रही है, क्या करें, लेकिन मैंने कहा अगले वीरवार से स्टार्ट करना, बारिश नहीं होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा छुए, जो बाहर भी बैठे हैं उनको भी दिखा, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। जो भी आप सब यहाँ पर हैं, इस समय उपस्थित हैं, मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे ये वरदान दिया है, आज से आपके घर में धन का अभिषेक काम करेगा, धन आएगा आपके ऊपर, आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन जो ईमानदार होगा इस मिस्ट्री के साथ, उसके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग उतरेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। आप बोलो, तू पादरी से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, तू प्रोफेट बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? कर डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी तो फल लेकर आएगी। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहें, आपके घर में फल आएंगे, आपकी टहनियां फलवंत होंगी ईशु के नाम में, बच्चे फलवंत होंगे ईशु के नाम में। ये आपको फेवर दे रहा हूं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन कब करें? परमेश्वर ने कहा, कह रहे लूका की किताब 10:16 में उसने कहा, जाओ, कह रहा कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब परमेश्वर के भेजे हुए का आप आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर कैसे करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा है कि अभी कह रहे मैं तेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी पूरी दुनिया को हिलाने वाला हूँ ईश्वर के नाम में। क्या अब तक हिली नहीं दुनिया? सुनो, आप विश्वास करें परमेश्वर काम करता है। अभी पवित्र आत्मा यहां पर है, किसी से भी परमेश्वर कुछ भी बातचीत कर सकता है। आप तैयार हैं? आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूंगा, करूंगा आपके लिए भविष्यवाणी। तैयार हो आप? हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। उससे पहले अपना बीज, अपने भेंट अपने हाथों में पकड़ें, शाबाश, फटाफट अपने भेंट, आप एक बेस्ट बीज पकड़ें और प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे ईश्वर के नाम में। बेस्ट बीज पकड़ें और इसी समय सोनू तो भी दे दे मेरे को, अबे 1 रुपया कभी नहीं बोलता मैं चर्च में, बीज दें शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, आपको आशीष दे। बड़ा नोट लिख गया, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं इस भेंट को हूं, पवित्र आत्मा आपके सामने हाथ फैलाकर परमेश्वर विनती करता हूं। मेरे प्रभु जो मुझे हरियाणा से, राजस्थान से, इस समय परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा अबोर से, मेरे प्रभु जो इस समय फाजिल का, फिरोजपुर, भटिंडा से और इसी समय मोगा से देख रहे हैं परमेश्वर, जो
जलंधर से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी कपूरथला से, मुक्सर से, मेरे प्रभु जम्मू से, और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी बटाला, गुरदासपुर से, धारीवाल, अमृतसर से, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, फरीदाबाद, पानीपत, संभालखा, मेरे प्रभु जी इस समय पवित्र आत्मा कोलकाता से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी असम से, त्रिपुरा से, इस समय परमेश्वर औरंगाबाद से, केरला से, पूना से, पवित्र आत्मा गोवा से, इस समय जलगांव से, कर्नाटक से, इस समय पवित्र आत्मा अहमदाबाद से, गुजरात से, मैं परमेश्वर इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग को खोल देता हूँ ईश्वर के नाम में। प्रभु इन्होंने तेरे राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, इन्हें आशीष दे, तेरे राज्य के लिए हाथ उठा रहे हैं पवित्र आत्मा ईश्व मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, और इसी समय परमेश्वर इसी समय तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जिन्होंने बोया उनकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग आए यीशु के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। आज मुझे बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी करना है, क्योंकि मैं लाइव में करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद पता नहीं मुझे कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं जिनके नाम BNRS और GHK से और V और N और M से हैं, उनके घर में एक नई कार की आशीष आ रही है। क्या आप लेना चाहते हैं इस बात को? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो कि पादरी बजिंदर तेरे लिए भविष्यवाणी कर सकता है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो कर नहीं पाते इसलिए उड़ाते हैं। बोलो हालेलुया, समझ में आए? तो आपको बिलीव करना है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये बहन कहाँ से आई? रेड सूट, हाँ तेरे को देख रहा हूँ, वो रेड सूट, हाँ यस, कहाँ से आया? धर्मेंद्र किधर है? धर्मेंद्र किधर है? धर्मेंद्र हाँ, किधर से आया? जम्मू से। जम्मू से? यस। क्या आप, सुनो, क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु का आत्मा से बातें कर रहा है? यस। सुनो, मैंने आप मेरे से में कभी मिले हो? ना। नहीं मिले? ना कर रही? आज के बाद हाँ करेगी, हालेलुया। सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा, बेटे काफी समय से के शादी हो गया लेकिन किसी के पास बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, आपके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, काफी समय से कोई ब्लैक मैजिक, जिस दिन आपकी शादी हुआ उस दिन कपड़ों पर, नोट पर आपके ब्लैक मैजिक हुआ, प्रॉब्लम हुई, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय देख ले क्या कर रही लाल, ए लाल घगरे वाली, बैठ जा नीचे। सुनो, अभी आपको प्रभु की आवाज को सुनना है ध्यान से, अगर आप बीच में बोले तो मैं आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा जब तक पूरी बात ना सुने, किसी की आशीष में रुकावट ना बने। ये प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इस बहन के आंसुओं को देख रहा हूँ। उसने कहा, बेटी मैं तेरे से प्यार करता हूँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। उसने कहा, परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनेगा। आप काफी देर से यहाँ पर बैठ के कह रहे थे कि प्रभु, जब आपने बीच पकड़ा आपने कहा, प्रभु आज प्रोफेट बजिंदर मेरे लिए बोले कि प्रभु मेरे से बातचीत करे, आज तेरा भविष्यता। आपने कहा ऐसे, आपने कहा ऐसे परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा आज आपसे। और इसी समय मैं भारत देश को जब देखता हूँ तो मैं इधर एक भारतीय को देखता हूँ, भारतीय खुदा दो नबी नबी, खुदा दो नबी नबी नबी, खुदा दो नबी। सुनो, 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 विश्वास कर, विश्वास कर, सुन रहे हैं कि नहीं? आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया, प्रभु ने मुझे कहा इसका नाम भारती है। उसने क्या कहा भी, यस मेरा नाम भारती है। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, सुनो सुनो सुनो, किसका नाम है भारती? मेरा नाम। तेरा नाम है भारती? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि एक कार्ड देख रहा हूँ शादी का और उस पर एक साइन लिखा है, साइन। यस, मेरे पति का नाम साइन है। जोर से तो बोलिदा, पाके रू जतो बोलिदा, पाके रू जतो बोलिदा, पाके रू जतो बोलिदा, दिलाने पे सारे खोलिदा, दिलाने पे सारे खोलिदा, पाके रू जतो बोलिदा।
अभी परमेश्वर की आत्मा ने बात किया से कि भारती साहिल और उसी समय आपके साथ कोई लेडीज आई है जिसको आप सुनो 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 जिसको आप कभी कभी पसंद करते हो रोज नहीं करते उसका नाम सास होता है सास जरिया जो तो मेरी तरह जरिया है खुल के तो मेरी बेटी है सुन रहे हो कौन है वो क्या लग देते रही है माइक के बोल सासू है हम भी करें सुनो हाँ प्रभु का आत्मा बात कर रहा है कहते हैं कि आप अपनी सास से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम लेकिन झूठ नहीं बोलना परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है आपसे लेकिन आपको बिलीव करना है परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है आपको आशीष देना चाहता है आपकी सास बहुत अच्छी है वैसे 100 में से 90% होती है सास अच्छी तो सुनो तो वो सास जो है इसके कानों में कुछ प्रॉब्लम रहते हैं कानों में आपको सुन कभी कम सुनते हैं कभी ज्यादा सुनते हैं कभी सुनता ही नहीं है बंद हो गया है हाँ आप मेरे पास आ सकते हैं दौड़ के शाबाश स्टेज के पास आने दे अकेली को आने दे बस जल्दी आने दे फटाफट शाबाश दौड़ के आओ शाबाश फटाफट अपने हाथों को उठाओ शाबाश अपने हाथों को उठा लो एक बार अपने हाथों को उठा लो और इसी समय कहो विश्वास बस यहीं से आ जाए यहीं से थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाओ शाबाश डरो नहीं चढ़ जाओ उधर से चढ़ जाओ दौड़ के हाँ शाबाश सुनो हाँ तेरी सास को बुला रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ आ जाओ शाबाश देखो आपको कहीं पे मिला हूं मैं कोई देखो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ कहीं नहीं सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कोई मेरे हाथों पे लिखा है नहीं भाई लेकिन यीशु की हथेलियों पे लिखा है yes. सुन रहे हो yes. मैं क्या बोल रहा हूँ परमेश्वर आपसे प्यार करता है yes. पवित्र आत्मा प्यार करता है को, yes. कौन सा कान है ठीक है अब इसी समय ये वाला कान बंद करो बंद करो उधर से दबा ले अच्छे से दबा ले दबाया यीशु मसीह है शिफा का दरिया उसकी हम भी करें यीशु मसीह है शिफा का दरिया उसकी हम भी करें यीशु मसीह शिफा का दरिया उसकी हम भी करें बोलो यीशु मसीह की चाल निकल जाए इसके अंदर से बाहर बहरी इसके कान जो है बिल्कुल बहरे कर दिए लेफ्ट साइड का पर्दा फाड़ दिया प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा उंगली रख मैं रखता नहीं किसी के कानों में उंगली मैं लगती है ना मैंने आज पहली बार किसी के कान में उंगली रखा है तो लोगों से रखवाता हूँ रखा मैंने और प्रभु ने कहा जा इसका पर्दा मैंने जोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में हाँ उठाओ इसको स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप कान में उंगली डालो फिर दबा अच्छे से दिखाओ से कैमरे में दबा दिया अच्छे से दो कितने सुनो हाँ पूजा सोनिया पापा पापा हालेलुया सुनो अभी खुल गया कान हाँ, खुल गया। कितने टाइम से बंद था ये तीन महीने से और मैं कह रहा हूँ इसका इलाज नहीं है पर्दा फट गया है डॉक्टर को चेक कराओ और अभी इसी समय वो
हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो, ये प्रभु का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में और इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है। मैं कह रहा हूँ जिसके भी कानों में प्रॉब्लम है, हीलिंग मिल गई आज यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो गए आप। सुनो, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। सुनो, अब इसी समय आगे आगे चल, अपनी 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 उसके पास चल, अपनी बहू के पास जा, और पीछे पीछे मैं तेरे बंदूक लेके चल रहा हूँ, चल जल्दी कर। बोलना नहीं है, मैंने क्या कहा, मैं बंदूक लेके चल रहा हूँ, चल वहां तक जल्दी कर, जो भी कुत्ते बिल्ली रास्ते में आएंगे उड़ा दूंगा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, जो भी कोई दुष्ट बीच में आ रहा उड़ा रहा हूँ उसको, चल जल्दी कर, चली जा साथ में, चली जा, तेरा भला हो जा, चली जा। सुनो, ऐसे बंदूक लेके फौज में कौन है? मेरे हस्बैंड। हालेलुया, आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है ईश्वर के नाम में। यस आमीन, बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। बात का दरिया उसकी हम करे गाड़ियों के साथ, मसीहा शिफा का दरिया उसकी हम करे, यीशु मसीहा शिफा का दरिया उसकी हम करे, यीशु मसीहा शिफा का दरिया उसकी हम करे, उसकी मानिंद कोई नहीं है, उसकी मानिंद कोई नहीं है, उसकी हम। परमेश्वर आपको आशीष दे भविष्यवाणी में, अभी इसी समय मेरे हाथों की तरफ देखो, यीशु के नाम में इसी समय निकल जाए वो गंदी स्पिरिट, आउट, कम आउट, कम आउट, फ्री, दोनों फ्री हो जाए यीशु के नाम में, और प्रभु उसके घर में बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा काम करता है, बोलो हालेलुया। जो भी लोग बोलते हैं, कहते कि ये जोकर का काम है, कार्टून का काम है, ऐसे ऐसे करना, सुन रहे मेरी बात, उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो अभिषेक से वंचित हैं। यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कभी भी चमत्कार किया जब परमेश्वर ने वो हवा के साथ किया, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है, वो प्रॉफिट बजिंदर के खिलाफ जो बोलते हैं वो उनके पास से सामर्थ वापिस ले लेता है। सुन रहे हो, आपको विश्वास करने में, फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि लोग शक करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताता हूँ कि जब आप जितना विश्वास करेंगे उतना परमेश्वर काम करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जो प्रभु का नहीं वो मेरा नहीं, बोलो जो मेरा नहीं वो तुम्हारा नहीं, जो यीशु का नहीं वो हमारा नहीं, बोलो जो पादरी बजिंदर का नहीं वो हमारा नहीं, जो आपके बीच में बैठ के कोई बुराई करता है मेरी उसका नंबर डिलीट कर दो आज, बोलो हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में जाएं, खुशखबरी है बेटे तेरे लिए, बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में, ये खुशखबरी है आपके लिए। आइए हम सब आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रचार का समय, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु जहाँ पर भी है पवित्र आत्मा जी इसी समय आशीष मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीर्वाद इनके ऊपर उतरने लगे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के कहे अनुसार चलना, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना। मैं यहाँ से भी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, आप वहाँ भी चंगे हो सकते हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं हाथ रखना चाहता हूँ आज, जिसको विश्वास है वो वैसे ही आज चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आज काम बनेंगे यीशु के नाम में, बड़े बड़े चमत्कार लेने से पहले, बड़े बड़े सुनो, बड़े बड़े चमत्कार लेने से पहले विश्वास करना पड़ता है, और हो गया तो अब ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं कोई बीच में। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की आशीषों से वंचित क्यों हैं? वो इसलिए वंचित हैं, इसको उठाकर भूस के कोठे में ले जा, जल्दी कर फटाफट, डिस्टर्ब कर रही है यहाँ से, कौन है उठाऊं इसको यहाँ से लेके जा पीछे, वचन में
डिस्टर्ब नहीं करना, हाँ सुनेंगे शाबाश। परमेश्वर का वचन बोलते हैं करे कि परमेश्वर के कहे अनुसार जब व्यक्ति चलता है तो वो व्यक्ति दुख से, बीमारियों से, समस्याओं से आजाद हो जाया करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आजाद करे, कितने लोग चाहते हैं? तो कह रहे हैं निराश अपनी जिंदगी में वो रहते हैं जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। कह रहे हैं कि अगर किसी के घर में कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, अगर बार बार एक प्रॉब्लम जाती है और दूसरी आ जाती है, उसका मतलब ये है कि आप आज भी परमेश्वर के कहे अनुसार में नहीं चल रहे। अगर आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं तो आपके घर में शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे चर्च। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, परमेश्वर बहुत सारी आशीषें उन लोगों के ऊपर रिलीज करता है। आज बहुत सारे लोग ऊपर से आत्मिक होने का नाटक करते हैं लेकिन अंदर से वो शारीरिक हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कहते हैं कि ये दिन ऐसे आएंगे कि अकाल पड़ जाएगा। दाऊद के समय में कह रहे कि 3 साल के लिए जब अकाल पड़ा तो समय उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा कि ये शाऊल के घराने से कहता है ये अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि शाऊल ने कहता लेवी लोगों की बुराई किया, लेवी लोगों को मारा, कहता है कि उस याजकों लोगों को मार दिया, इसलिए कहता है कि आज हो सकता है कहता है कि परमेश्वर ने कहता है कई लोगों के जीवन में, किसी के खेत में, किसी के बिजनेस में, किसी की सैलरी में अकाल डाल रखा हो। परमेश्वर ने अकाल भेजा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते, कह रहे कि नाटक करते हैं कि हम आत्मिक है, आत्मिकता का ढोंग करना कह रहे हैं वो सबसे बड़ा पाप है। याद रखना बहुत सारे लोग कह रहे आत्मिकता का ढोंग करते हैं, चिट्टे कुर्ते पजामे पा के, गले में माला डाल के, और बाद में शराब भी पीते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम भी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तंबाकू भी खाते हैं, लेकिन आपको सुनना है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मसीह लोग ऐसा काम नहीं करते। और आप जब आत्मिकता आपके जो अंदर है वो बाहर झलकनी चाहिए, जो बाहर है वो अंदर झलकनी चाहिए। परमेश्वर ने बताया दाऊद को कि शाऊल के घराने पर कहता है ये प्रॉब्लम कहता है इसलिए आई क्योंकि उसने कह रहे हैं कि लेवी लोगों का हक मार लिया, जमीन मार ली, उनका पैसा मार लिया, उन लोगों को मार दिया। और आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मसीह में आने के बाद, वो लोग एक दूसरे से 5,000 रुपये उधारे लेते हैं, 10 रुपया उधारे लेते हैं, 20 रुपये उधारे लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक हैबिट होती है कि वो उसका वापस देने के लिए कभी नहीं पूछते उस व्यक्ति से कि भाई मैं तेरे तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए वापस। आज भी लोगों ने उधार लिया हुआ है साले से, ताऊ से, चाचों से, अरे आदो ने तो मेरे से भी ले रखा उधार, लेकिन उधार ले रखा है लेकिन उसका वापिस नहीं दिया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि जिन लोगों ने किसी का हक मार लिया, जमीन गरीबों का हक मार लिया, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अकाल जरूर भेजता है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बॉम्बे से आया हूँ और मेरे पास पता नहीं क्या, दादे परदादों के पास इतनी प्रॉपर्टी थी लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि आज हमारे पास कह रहा है कि पैसा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, हम इतने दिक्कत में क्यों आ गए, मुझे परमेश्वर से पूछना है। और मैं इसलिए वहाँ से भविष्यता के पास आया हूँ, मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस व्यक्ति ने कह रहा है कि इसके जो दादे ने कहते कि लोगों का जमीन रख लिया, घर रख लिया, गरीब आदमियों से अंगूठा लगवा कर ब्याज पर पैसा देकर उनका हक मार लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो हक मार लेते हैं कह रहे हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आज हो सकता है कह रहा है कि आज किसी न किसी के घर में अकाल है या नहीं है। पहले के ज़माने में बारिश नहीं होती थी गेहूं में, धरती पर बंजर भूमि हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे 2023 से बताया कि 2025, 26, 27 ऐसे समय आएंगे अकाल पड़ेगा, सैलरियां नहीं मिलेंगी, अकाल पड़ेगा, जॉब नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, खाने के लिए फूड नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, कई जगह पर होगा, अगर होगा तो इतना महंगा होगा, बहुत सारी चीज़ों में अकाल आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहता कई जगह पर पानी के लिए प्यासे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को देखेंगे, परमाणु बम गिरेंगे, और क्या होगा कि लोग जो जिस चीज़ के लिए भागी दौड़ी कर रहे हैं वो उसी समय उन लोगों का ध्यान जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, आत्मिकता भंग हो जाएगी लोगों की, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे संदेश सुनने से पसंद नहीं करेंगे उनके, वो अपने कानों में उंगलियां डाल डाल कर खजाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा परमेश्वर का वचन, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो अंदर से शारीरिक हैं, वो आत्मिक नहीं है। लेकिन अगर आज इसे कहता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पवित्र आत्मा के पीछे चलने की, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आने वाले समय में कहता है कि अकाल दूसरों के लिए होगा, आत्मिक लोगों के लिए नहीं होगा। याद रखना आत्मिक लोगों के लिए अकाल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मैं 40 दिन भूखा रह सकता हूं,
आप भी 40 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन अकाल जब आएगा वो 3 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं इतने दिन भूखे नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता इतने दिन भूखे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया के लिए मैंने एक कग्गा प्रोवाइड किया। कहता है कि जब अकाल के दिन आए और एलिया एक नाले में जाकर बैठ गया और उसने नाले में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक कग्गे को हुक्म दिया और वो रोटी लेकर नाले में जहां बैठा था वहीं पर ऐसे घुस घुस के उस नाले में जहां वो बैठा था रोटी डालकर चला गया यीशु के नाम में। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप उन दिनों में भी प्रार्थना में रहे, बने रहे, अगर आत्मिकता में बने रहे, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहे, जो सिखा रहा उसको मान रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो मेरे वचन के खे अनुसार चलेगा, कहता है कि मैं उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा यीशु के नाम में। ये कह रहा है कि लेकिन आपको अपने अंदर ये आत्मिकता को पैदा करना है, आपको आत्मिकता को पैदा करना है। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? योशू की किताब 6:15-16 पढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, योशू की किताब 6:15-16 उसके अंदर लिखा क्लियर एक जगह पर कि योशू ने परमेश्वर के कहे अनुसार इसराइलियों के साथ मिलकर 6 चक्कर काटे। एक दिन में 6 चक्कर, दूसरे दिन में 6 चक्कर, सुन रहे हो कि नहीं, तीसरे दिन में 6 चक्कर, चौथे दिन में 6 चक्कर, पांचवें दिन में 6 चक्कर, छठे दिन में 6 चक्कर, सारे बोलो 6 चक्कर। कह उसने चक्कर काटे और चक्कर काटने के बाद कहते हैं लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा, कह रहे हैं कि ये यरीहो की नगरी है। कहता है ये यरीहो की नगरी में क्यों काट रहा था वो चक्कर? उनके सामने एक दीवार खड़ी थी, वो अपने बच्चों को पाप से छुड़ाना चाहते थे और अपने बच्चों को वो व्यभिचार से निकालना चाहते थे। कुछ लोग दुश्मन कह रहे कि वो इसराइली के बच्चों को उठाकर ले गए, उनसे पाप करा रहे थे, शराब पिला रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, वो लोग अपने बच्चों को छुड़ाना चाहते थे। हो सकता है कह रहे कि आपका बच्चा भी कोई गलत लाइन पर चला गया हो सकता है आपका रिश्तेदार शराब पीने लगा हो, आपका पति शराब पीने लगा हो, आपके लड़के लड़कियां कुछ गलत काम कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर छुड़ाना है तो परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को परिवार को आजाद करे शैतान के हाथों से, बीमारी से, कर्जे से, तो आपको परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आज आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं आज रात आपके कहे अनुसार चलेगा, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके अनुसार चलेगा, याद रखना परमेश्वर आपकी सुनेगा आज के बाद। और इसराइलियों ने इस बात को सुना, वो उन्होंने उस दीवार के 6 चक्कर काटे, उन्होंने जब 6 चक्कर काटे और 6 चक्कर काटने के बाद 7वें दिन भी परमेश्वर ने कहा उसको चक्कर काटो। हो सकता था कि योशू मना कर देता, करे कि अब तक तो ये दीवार गिरी नहीं, लेकिन मैं इसके चक्कर क्यों काटूं, उसके 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर। आपको पता ना औरतों को पता चक्कर कहाँ काटते हैं? जब पति पत्नी की शादी होता है तो उसको चक्कर कटाते हैं। ये तो मैं उल्टे वाले ले रहा हूँ, उल्टे वाले, सही वाले तो ये वाले हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है ये 6 चक्कर काटे, लेकिन कर आज लोग कटवाते हैं चक्कर, करे लो पति पत्नी का संबंध बना रहेगा, लेकिन चक्कर बहुत सारे काट लिए। पति पहले से सिखा के रखते हैं पति पत्नी के पीछे, और उसके बाद 4वें चक्कर के बाद 5वां चक्कर उनका होता है पत्नी पति के पीछे। उसका मतलब क्या होता है पता है? कह रहा है इनके घर में हर साल हर महीने एक झगड़ा हो और पति पत्नी के पीछे और पत्नी पति के पीछे। हमने तो बंद ही कर दिया वो चक्कर। आप समझ में आए कि नहीं? जो कहते हैं हमें मसीह में शादी नहीं करना, ठीक है ना करो, लेकिन पति पत्नी के पीछे, पत्नी पति के पीछे, ये चक्कर तो बाबू भाई का चक्कर काटना पड़ेगा भाई। सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि जिस संबंध में करा परमेश्वर नहीं है, जिस रिश्ते में परमेश्वर नहीं है, करा उन लोगों को कोर्ट कचहरी के इधर उधर करा पति पत्नी को लड़ाई झगड़े शांति के चक्कर इधर उधर काटने पड़ते हैं डॉक्टरों के। लेकिन अगर आज कहते हैं आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, आज रात परमेश्वर आपके बीच में आ जाएगा यीशु के नाम में। मेरे और आपके बीच में आ रहा है, वो यहां आया हुआ है। करा अगर आप चक्कर खत्म कराना चाहते हैं, कईयों को तो अच्छा लगता पति मेरे पीछे पीछे रहे बस, और पति को अच्छा लगता पत्नी मेरे पीछे पीछे रहे बस, बोलो हालेलुया। लेकिन भाई साहब ये गलत भी हो जाता है कई बार, वो दूसरे के पीछे भी चला जाता है कई बार, इसलिए वो चक्कर को आज यहां तोड़वा कर जाना है चर्च। आमें। आज बच्चा कह रहा शराब के ठेके के चक्कर में है,
पति शराब के चक्कर में है और शराब पति के चक्कर में है। मैं कह रहा हूं कोई भी चक्कर होगा आज रात के बाद तुम्हारा चक्कर बंद यीशु मसीह के नाम में। बस एक काम करना है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं आपको भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, उधार लेना नहीं पड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। लेकिन कह रहा विश्वास करना ये बात पर। कहते हैं कि यहाँ पर यीशु ने क्या किया, यीशु ने छठा चक्कर में वो हार मान सकता था, लेकिन सातवें चक्कर में भी वो परमेश्वर की बात मानकर इसराइलियों को अपने पीछे लेकर गया। और इसराइली लोग भी छह चक्कर में थक जाते कि आज भी बुलाया चर्च में, कल भी बुलाया चर्च में, आज भी बुलाया चर्च में, अगर छठी बार तो पादरी विजेंद्र तू बस भेजेगा तब आएंगे हम, अगले वीरवार मैं नहीं भेजूंगा बस। अगला चक्कर तो आपको काटना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहा है कि छह दिन चक्कर लगाए, सातवां दिन कहता है कि उसने उन लोगों ने ध्यान से सुनो, और उसी समय सातवें चक्कर में जब उन्होंने चक्कर लगाया यीशु ने, और उसी समय परमेश्वर ने कहा सातवें चक्कर में तुम जाकर जय जयकार के नारे लगाना, वो दीवार गिर जाएगी। और उसी समय जब उन्होंने चक्कर लगाया वो दीवार गिर गई। वो दीवार बहुत मोटी थी, बहुत भारी थी, बहुत लंबी थी, बहुत ऊंची थी। वो पता नहीं कितने साल इकट्ठे होकर लोगों ने बनाई थी, लेकिन वो दीवार आसानी से नहीं गिर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। हो सकता है कहता आपके घर में कोई ऐसे कर्जे की दीवार हो जो इतना कर्जा हो गया हो कि आपके बस की बात ना हो। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी बीमारी होगी हो डॉक्टर के बस की बात ना हो, लेकिन आपको लग रहा हो ये दीवार ये पहाड़ जैसा खड़ा हो आपके जीवन में। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के कहे अनुसार विश्वास करके कह रहे कि आज से जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर कह रहे कैसा भी पहाड़ हो आज गिरा दिया जाएगा, कैसी भी दीवार होगी गिरा दी जाएगी। आज आज आप चाहते हैं कि नहीं दीवार गिर जाए? जो चाहते हैं अपने हाथों को हिलाओ। आज आज जो हाथ हिला रहे हैं उनके ऊपर से आज मैं कह रहा हूं दीवार गिर रही है, शराब टूट रहे हैं। आपको फैसला लेना है चर्च। आज आप फैसला लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? सुनो, कुछ लोगों की दीवार इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो लोग सिर्फ रस मलाई खाना जानते हैं। अगर आप दुकान पर जाएं, किसी केक वाली दुकान पर जाएं, सुनो, किसी केक वाली दुकान पर जाएं और केक वाली दुकान पर जाने के बाद आप कहें कि हमें ऊपर ऊपर की क्रीम दे दो और नीचे का केक आप खुद रख लो, क्या दुकानदार आपको देगा केक? नहीं देगा। आज भी बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी कर दे, परमेश्वर अमेरिका ले जा, इंग्लैंड ले जा, क्रीम क्रीम खाना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते। वो कहते हैं बस प्रार्थना तो माँ कर लेगी, बाइबल मेरा बाप पढ़ लेगा, चर्च मेरा भाई चला जाएगा, मैनू अमेरिका भेज दो बस। क्रीम खाना चाहते हैं, क्रीम चाहते हैं कि नहीं? कहते हैं लेकिन अगर आप दुकानदार से क्रीम क्रीम मांगेंगे वो आपको नहीं देगा। सुन रहे हैं मेरी बात? और उसी समय कह रहे क्रीम 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 मांगेंगे दुकानदार नहीं देगा। कहता है कि आपको अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको कह रहे के चर्च आना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं घर जाओगे आज कर्जे की दीवार गिरी हुई मिलेगी चर्च, बीमारियों की दीवार गिरी हुई मिलेगी चर्च, कह रहा हर समस्या की दीवार गिरा दी जाएगी आज रात। हो सकता है कह रहा यीशु भी कह रहा कि ऐसे ही चुपचाप चला जाता निराश होकर, और वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा इस दीवार को, मैं क्यों काटूं इतने चक्कर, मैं क्यों जाऊं रोज, कह रहा ये जम्मू वाली कहती मैं क्यों जाऊं इतनी दूर। लेकिन अगर ये आज आ गई है तो इसने अपना चक्कर तुड़वा लिया है यीशु मसीह के नाम में। और लोग कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं चर्च में संडे चर्च प्रार्थना करना, मैं क्यों करूं प्रार्थना, अरे लेकिन विश्वास करना पड़ता है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के कलाम पर के पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी करें कि जितनी भी करें कि समस्या की दीवार है आज सब की सब गिरा देगा यीशु मसीह के नाम में। आप गिराने के लिए तैयार हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तो खुद ही गिरने के लिए तैयार हूं। दीवार नहीं गिराएंगे, मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं तो एलिया की तरह आत्मिक बने। अगर परमेश्वर ने एलिया के पास एक कग्गा भेज दिया लेकिन उसने परमेश्वर को प्रार्थना में डेली बताया, परमेश्वर मैं नाले में बैठा हूं, नाले में कहां बैठा हूं? हम लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं, हम परमेश्वर को अपनी लोकेशन बताते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते इसलिए उनको वो स्वर्गदूत उनके घर पर नहीं जाते क्योंकि वो गली में घूमते रहते हैं, उनके पास एड्रेस नहीं है। जब आप कह रहे प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत कहते हैं वहां आते हैं और जाते हैं लोकेशन देकर।
कह रहा यहाँ पर शाऊल, कह रहा है कि शाऊल एक पुलिस में था, सैनिक था, और वो लोगों को सताता था इस भाई की तरह, और उसी समय क्या हो गया, और शाऊल जब पुलिस में था, घराने में था, उसी समय वो मसीह लोगों को सताया करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह खुद उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया, और उसी समय वो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गई, और लेकिन उसको पता लगा कि यीशु मसीह ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया, और उसी समय खोल भी वही सकता है। कह रहा जो बंद कर सकता है वही खोल सकता है, हालेलुया। कह रहा इसके पास ताकत है, इसके पास ताकत है, ये खोल सकता है मेरे काम को, मेरे दिमाग को, मेरी आंखों को। और उसने उसी समय करा पुकारा रो रो कर, जब वो रो रहा था, पुकार रहा था, तो उसी समय परमेश्वर के एक दास ने परमेश्वर से पूछा, और उसी समय स्वर्गदूत आकर कह रहा था, कह रहा मैं कहाँ पर जाऊँ। कहता है मेरे पास एड्रेस नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। परमेश्वर ने कहा 3 दिन से कह रहा शाऊल रो रहे हैं, और उसी समय उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। कह रहा जा किसी पादरी को बोला, कह रहा जा स्वर्गदूत इस पादरी के साथ जा, और उसके सिर पर हाथ रख, कहता है आज रात के बाद कहता है कि वो देखने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय याद रखना, पादरी के ऊपर होकर कहता है कि स्वर्गदूत आते हैं, और उसी समय वो स्वर्गदूत गया, और उसी समय उसको पता नहीं था, लेकिन कह रहा है कहाँ पर है वो, वो सिर्फ यही पूछ रहा था। उसने कहा जो गली सीधी कहलाती है, हालेलुया। कह रहा है इस गली का नाम था सीधी, आपके पड़ोसन का नाम क्या है टेढ़ी, आपकी सास का नाम क्या है टेढ़ी, आपके ससुर का नाम क्या है टेढ़ा, आपके बच्चे का नाम क्या है टेढ़ा, पति का नाम क्या है टेढ़ा, पत्नी का क्या नाम है टेढ़ा, लेकिन जितने प्रार्थना करते हैं उनका नाम सीधा हो गया आज यीशु के नाम में, उनका काम सीधा हो गया आज। अपने पड़ोसी को बोलो सीधी गली में स्वर्गदूत आया और जाया करते हैं। कहाँ आएंगे आज रात स्वर्गदूत? जब सीधी गली में, कौन सी गली में आएंगे आज? सीधी गली किसके मिलेगी? सीधी गली कह रहे जो प्रार्थना करती हुई औरत मिलेगी, उसका नाम सीधी गली है। जो आदमी प्रार्थना करता हुआ मिलेगा सीधा कहलाएगा वो। बाइबल कहती है मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूँ। यशाया की किताब में ये मैं कह रहा हूँ व्यवस्था विवरण में लिखा, कह रहा मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूँ। भाई साहब इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई टेढ़ा है ले आओ मेरे पास, सीधा करा दूंगा आज मैं। पावर है हाथों में, ये आपके लिए उठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा था, कह रहा कि जब तक आज बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं है, कह रहा आज लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं है, आज मन परिवर्तन नहीं है। अगर आपका मन परिवर्तन है तो कहता है इसका मतलब आप लोगों से नफरत करना बंद कर देंगे। अगर आपके अंदर आज भी सास ससुर से नफरत है, भाईचारे से नफरत है, माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हो, परिवार में अगर आपकी बनती नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अगर आप उनका आदर नहीं करते, आपकी आपस में गुटमुट नहीं है, इकट्ठे नहीं बैठते प्रार्थना में, तो इसका मतलब आपके अंदर हृदय परिवर्तन आज तक नहीं हुआ, मन परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। आप नाटक करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाहे कोई कहीं से भी देख रहा हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, ऊपर से करता अच्छा, अंदर से चालबाजियां चलता है, परमेश्वर देख रहा है ऐसे हृदय को। याद रखना ऐसे परिवर्तन पवित्र आत्मा नहीं चाहता, ऐसे बर्तन नहीं चाहता मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर ऐसे बर्तन चाहता है। कह रहा है कि शाऊल शाऊल नहीं रहा उस रात, उसने अपना हृदय अपना मन परिवर्तन कर लिया। वो रोने लगा, उसने कहा परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में जो गुनाह किए हैं मैं आज के बाद एक रात भी किसी से नफरत नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा, मैं एक रात के बाद कहता किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं आज के बाद किसी शराब के ठेके पर नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मेरा हृदय आज परिवर्तन हो गया। आप अगर परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा शाऊल शाऊल नहीं रहा, ये पौलुस हो गया है, उस दिन से परमेश्वर ने पौलुस को चमकाना शुरू कर दिया। याद रखना चर्च आना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, करा बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पादरी बजिंदर ने हृदय परिवर्तन किया अंदर से, मन परिवर्तन किया अंदर से। इसलिए यीशु रोज आता है, बात करता है, भविष्यवाणी करता है, हीलिंग करता है। अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप मलाई मलाई खाना चाहते हैं, केक देखना चाहते हैं, जब कुछ होता नहीं है तो बुराई करते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि हृदय परिवर्तन करो। आज आप चाहे पादरी हो, भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा, लेकिन हृदय परिवर्तन अगर नहीं होगा, मन परिवर्तन नहीं होगा, तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाला। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो आपको विश्वास करना है, अपने अंदर से अपने आप को चेंज करना है। कटोरा पहले अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं मांजा जाता। नहीं तो हमारे भारत में कल्चर है, बीमार एक पड़ता है
खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। तो जाओ, कहता है कि अगर हृदय परिवर्तन तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम भी दुख उठाओ। कह रहा कि इसलिए दुख लोगों को उठाना पड़ता है। अगर याद रखना, अगर आज भी आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कह रहा नाटक मत करो बपटिज्म लेकर। परमेश्वर का आत्मा कहता है बपटिज्म तो दुनिया ले लेती है। रोज जोड़ के पानी में नहाते हैं किसान, रोज जोड़ के पानी में भैंसों को नहलाते हैं, वो तो रोज डुबकी लेते हैं, तुम भी ले लिया करो। ऐसे तो मैं भी बाथरूम में रोज नहाता हूँ, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं है। अगर आपका हृदय परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन के अनुसार जो नहीं चलेगा वो आगे चलकर मार खाएगा, वो दंड उठाएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, कह रहा है शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा आज, बीमारी का चक्कर खत्म, बांझपन का चक्कर खत्म। कह रहा है आज के बाद तुम दुख नहीं उठाओगे। हेलो, आज के बाद तुम दुख नहीं उठाओगे। भविष्यवाणी है ये आपके लिए। अपने पड़ोसी को बोलो मैं क्यों दुख उठाऊं? क्या तुम आज भी मसीह में होने के बाद दुख उठाना चाहते हो? कह रहे बाइबल बोलती है, कह रहे कि यीशु मसीह ने तुम्हारा दुख उठा लिया। और आज किसी से पूछ लो मैं बहुत दुखी हूं, इसका मतलब तेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ असली मसीहत वो है जिसको दुख भी होता है उसके चेहरे पर लाली होती है, हंसी होती है, वो मुस्कुरा रहा होता है, वो कह रहा होता है आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में, कुछ मिले ना मिले आनंदित हूँ। आदत पाल लो भैया, थोड़े टाइम के बाद नहीं तो क्या होगा, जब बम गिरेंगे इधर उधर से, लड़ाइयाँ होंगी तो क्या होगा, लोग कहेंगे ओ ले ताजमहल भी चला गया, अरे अरे ये क्या आटा आदि पिसवा के लाए थे वो भी चला गया, अरे ये क्या चावल में बिल्ली मुंह मार गई, अब तो वही खाना पड़ेगा भाई। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कहता है कि जिसका हृदय परिवर्तन हो गया है, परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहा है, कहता है उसको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है अगर आपने दुख उठा भी लिया मसीह के लिए तो परमेश्वर उसका प्रतिफल डबल देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपने अपने परिवार के लिए नहीं, आपने अपने प्रभु के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिए, आपको लोगों ने कुछ गलत बोला, आपने वहां बैठना छोड़ दिया, अगर उसने किसी ने आपके पत्नी को गलत बोला, बच्चों को गलत बोला, तुम सर काट कर आ गए हो, लेकिन अगर किसी ने कहता है प्रभु का लिए गलत बोला तो तुम वहां से थप्पड़ खा कर आ गए हो, बेशर्म कहेंगे। कह रहा उसको बता कर आओ, हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ थप्पड़ खिलाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ आपको, ना मारने के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कहता है अगर आपने दुख उठा लिया है संसार के लिए, आज कहता है कि यीशु के लिए उठा कर देखो। कह रहा है कि एक महीने के अंदर ही कह रहा बड़ा प्रतिफल आने वाला है यीशु के नाम में, आएगा बड़ा प्रतिफल। चाहते हैं कि नहीं? कह रहा है ये भविष्यवाणी है, प्रभु ने मुझे कहा जकरिया 14:17 में लिखा क्लियर, कहता है कि जो यरूशलेम में नहीं जाएगा कहता उसके यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। लेकिन उस समय कह रहे यारोबाम, कहता है कि बहुत सारे लोग कहता है वो डर गए और उसी समय वो झंडूबाम करने लगे, झंडूबाम वाला काम कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि जितने लोग इसराइल में आएंगे बेशक बट गया हो तो वहाँ पर उन लोगों को उनके खेतों में बारिश हुआ करेगी, उनके घर पर आशीष की वर्षा होगी। और उसी समय लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने लिए, अपने अपने लिए, कहीं लोग मेरे टूट ना जाए इसलिए उसने वहां पर बना दिया ऐसे पत्थर का स्थान, बोल दिया यही मंदिर है, यही जगह है, बस यहीं पर है पवित्र स्थान, यहीं पर है सारी जगह। लेकिन परमेश्वर को क्रोध आया। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज सबसे पहले आपका पवित्र, कह रहा चर्च नहीं, आपका पवित्र सबसे पहले आपका घर, आपका मन होना चाहिए ईश्वर के नाम में। कह रहा जब आपका मन पवित्र होगा आपका चर्च पवित्र होगा, आपका घर पवित्र होगा। करे अगर आप पवित्र होकर रहे तो याद रखना ये साल आपका आशीषों का साल होगा चर्च। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अगर आप तैयार हैं तो चर्च। करे एलिया के पास कहता है कि परमेश्वर ने कहता अहाब राजा को भेजा, जो अहाब बदनाम कर रहा था, अहाब ने ही परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता को बदनाम किया। लेकिन जब उसने कहा करे तेरे यहाँ पर 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी, और जब वर्षा नहीं हुई उस समय उसके पास गया और जाकर हाथ पैर जोड़ने लगा, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करने के बाद एक बार उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर बादल आ जाए, और गेजी ने कहा करा जा, करेजी को कहा जा चेक कर, और गेजी गया, उसने देखा और उसी समय उसने कहा देखो बादल, कह रहा कि देखो बादल
आया कि नहीं? उसने कहा नहीं आया प्रॉफिट। दूसरी बार गया, कहता देख बादल आया, कह रहा नहीं आया प्रॉफिट। तीसरी बार प्रार्थना किया, कहता नहीं आया प्रॉफिट। चौथी बार प्रार्थना किया, कह रहा नहीं आया प्रॉफिट। पांचवी बार प्रार्थना किया, नहीं आया प्रॉफिट, कह रहा बादल नहीं आया। छठी बार में और क्या कर रहा है, छठी बार में तो गेजी जा रहा, ये क्या सकता था, कह रहा इसका छठी आ गया दिमाग पादरी का, कह रहा है बावड़ा हो गया ये, कह रहा कि जब बारिश नहीं आनी, अरे देख ले आज मौसम भी कह रहा बारिश नहीं आनी, मैंने कहा था मीनू तुझे जब मैं प्रचार करूंगा बारिश नहीं आएगी, फिर तूने पैलेस कर लिया। अच्छा विश्वास नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे कि नहीं? भविष्यता के ऊपर आशीर्वाद होता है, जहाँ खड़ा हो जाता है बारिश रुक जाया करती है। मेरे लोग बाहर भी बैठे हैं, वो देखो बाहर ही बैठे हैं, कुर्सियों पे हाथ उठाओ, जरा कुर्सियों पे हाथ उठाओ। छन को क्या मैंने कहा था, मैंने कहा जब मैं आऊंगा बारिश नहीं आएगी, थोड़े दिन इनको रोक लो। बोलो हालेलुया, आपको बिलीव करना है। कहता लेकिन वो गेजी को, गेजी कह रहा था, कह रहा सठिया आ गया, सठिया आ गया, लेकिन क्या करूं, कोई और चर्च नहीं है मेरे पास, जाना तो इसी चर्च में पड़ेगा। क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, डर डर के जा रहा था। उसने कहा जा सातवीं बार, अब की बार फिर जाऊं, उसने कहा जा और गया। बादल आ गया है। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करें इस साल के अंदर, आज के वचन के बाद अगर आपने फैसला ले लिया, वादा कर लिया परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे कहे अनुसार चलूंगा, और पवित्र आत्मा कहेगा जैसे तुम यहां से अभी पहले से बाहर निकलोगे, तुम्हारी आंखें अभी कुछ नहीं देख पाएंगी, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं देख पाएंगी, तीसरे दिन भी कुछ नहीं देख पाएंगी, हो सकता है किसी को सातवें दिन में उसकी आंखें खोल दे परमेश्वर, ओ बैठे मेरी नौकरी आ गई है, किसी के सातवें महीने में ओ बेटे, ये तो नौ महीने में आता था, सातवें में आ गया। हो सकता है आंखें खोल दे परमेश्वर आपकी। कोई कहे छठवें महीने में बच्चा बसता नहीं है, जा सातवें महीने में भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। गेजी गया दौड़ा दौड़ा, बोलता है करा बादल का शोर मेरे कानों में आ रहा है, बादल का शोर मेरे कानों में आ रहा है। मैं आज हर लाइव देखने वाले से कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास करें, आत्मिकता में चले, परमेश्वर का आत्मा करे, अगर आप सही रीति से यीशु को पकड़े, तो पवित्र आत्मा करे कि मैं भविष्यता होने के नाते बोल रहा हूं कि मेरे कानों में आपकी गवाहियों का शोर आ रहा है, शोर शोर आ रहा है चर्च। बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं शोर आ रहा है, परमेश्वर का शोर है। क्या आप विश्वास करते हैं? नीति वचन 12 के 22 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। नीति वचन 12 के 22 में लिखा, कह रहे कि परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे किससे खुश होगा? चंपा के काम करने से, माया के काम करने से खुश होगा? किसके से खुश होगा? कह रहा विश्वास करने वालों से खुश होगा। yes. विश्वास से काम करने वालों से खुश होगा। yes. आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नहीं बच्चा गिर गया है, अरे कह रहा चिंता ना कर, कह रहा सातवां महीना फिर आएगा तेरी कोख में। yes. कह रहा गवर्नमेंट जॉब हाथ से निकल गया है, कह रहा अरे फिर आएगा अगला महीना तेरे पास। yes, अरे मकान का लोन कैंसिल हो गया, अरे कह रहा फिर आएगा मौका तेरे पास। yes, अरे बच्चे का पासपोर्ट पर वीजा नहीं लगा, अरे यीशु मर नहीं गया, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। Alleluia! वो मेरे और आपके बीच में है, वो आज भी काम करने की ताकत रखता है। अगर आज भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की ताकत रखे, अपनी जुबान में उसका नाम लेने की ताकत रखे, अपने हाथ हिलाने की ताकत रखे, आज भी आप कह रहे लोगों को सुसमाचार सुनाने की ताकत रखे, कह रहे वो ताकत दिखाएगा अपनी आज रात यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? Yes. कह रहा डाली पहले फूल आते हैं, डाली पर कितनों को पता, डाली पर पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं उस पर। अच्छे विचार डालो आज रात अपने अंदर, पहले विश्वास के, प्रेम के, धीरज के, कह रहा कि फूल खिलाओ अपने अंदर। Yes. उसके बाद आपकी डालियों पर फल लगने लगेंगे यीशु के नाम में, गवाहियों के फल आएंगे आज रात के बाद। Amen. क्या आप विश्वास करते हैं चर्च? Yes. अय्यूब ने अपनी खराब परिस्थितियों में परमेश्वर के कहे अनुसार चलता रहा। उसका बच्चा मर गया, 10 लोग मर गए उसके घर में, ऊंट मर गए, उसका बिजनेस बंद हो गया, बैल मर गए,
उसी समय बड़े बड़े काम हो गए उसके, उसके शरीर पर छाले हो गए, लेकिन इस परिस्थिति में वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल सकता था, लेकिन उसने वादा किया परमेश्वर मैं तेरे अनुसार चलूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, कहता कि उसकी पत्नी आई बोलती कह चल हट आज के बाद चर्च नहीं जाएंगे, अरे क्या मिला हमें, उसने कहा चल हट, कहता कि तेरे साथ नहीं चलूंगा, तेरे साथ ऐसे वाले फेरे लिए थे, जा अब ऐसे वाले नहीं लूंगा। हालेलुया, मैं क्या कह रहा हूँ, कहता कि मैं नहीं चलूंगा।